फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही ज्यादा टेस्टी मार्केट में जो ठेल पे कुल्फी मिलती है उसे बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है। इसमें ना ही हम मावे का इस्तेमाल करेंगे, ना कॉर्नफ्लोर, ना कस्टर्ड पाउडर, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। कुल्फी बनाने के लिए ये हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। चलिए दूध बॉईल कर लेते हैं। दूध बॉईल करने के लिए गैस पे पैन रख दिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे कि दूध नीचे तली में लगेगा नहीं। अब जो हमने दूध लिया था वो हम पैन में डाल देते हैं। अब इसमें से आधा कप करीब दूध बचा लेते हैं, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब दूध को मीडियम हाई फ्लेम पर बॉईल होने देते हैं। कुल्फी में डालने के लिए ये हमने 10 से 12 काजू लिए हैं, 1 टेबल स्पून खसखस जिसे पॉपी सीड भी बोलते हैं, 12 से 15 बादाम। इन सभी चीजों को हमने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था जिससे कि ये फूल जाए। अब ये सभी चीजें फूल गई हैं। अब हम बादाम को छील लेते हैं। बादाम को छील लिया है। इन सभी चीजों को डालने से कुल्फी के अंदर गाढ़ापन आएगा, उसकी वजह से कुल्फी बहुत ही ज्यादा क्रीमी और टेस्टी बनके तैयार होगी। ये हमने मिक्सी का जार लिया है, जो हमने ड्राई फ्रूट लिए थे वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। बादाम, काजू, इसका पानी निकाल दिया है, खसखस। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट नहीं है उसके बिना भी इस कुल्फी को बना सकते हैं। जो हमने आधा कप दूध बचाया था वो हम इस जार में डाल देते हैं और सभी चीजों को मिक्सी से महीन पीस लेते हैं। हमने जो ड्राई फ्रूट लिए थे उसे हमने मिक्सी से महीन पीस लिया है। बस हमें इसी टाइप का पेस्ट चाहिए। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और दूध को देख लेते हैं। अब इधर दूध भी बॉईल हो गया है। अब इस दूध को बीच बीच में चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे 3/4 होने तक गाढ़ा कर लेते हैं और जो साइड में मलाई आ जाती है उसे हम इस तरीके से निकालते हुए दूध में मिक्स करते जाएंगे। हमें इस दूध को नीचे तली तक चलाना है जिससे कि ये दूध नीचे तली में ना लगे। अब दूध को हम गाढ़ा कर लेते हैं। अब ये दूध भी 3/4 करीब हो गया है और पहले से गाढ़ा हो गया है। अब जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। पेस्ट को मिक्स कर देते। अब जो जार में पेस्ट बचा है उसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। और इस पेस्ट को भी इस दूध में डाल देते हैं। अब इस दूध को बीच बीच में चलाते हुए हाफ होने तक पका लेते हैं और इस दूध को दूसरी गैस पर शिफ्ट कर देते हैं। ये हमने 3/4 कप चीनी ली है। अब हम इस चीनी को इस पैन में डाल देते हैं। अब इस चीनी को लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पर कैरमलाइज करेंगे। हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है जिससे कि चीनी नीचे तली में ना लगे। आपको इस समय चीनी थोड़ी सी ड्राई लग रही होगी लेकिन ये धीरे धीरे इसी तरीके से मेल्ट होती जाएगी। आप देख पा रहे हैं चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है और चीनी का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। बस हमें इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हमें चीनी को कैरमलाइज करना है। आप देख पा रहे हैं चीनी कैरमलाइज हो गई है। अब हम इसे कुछ सेकंड के लिए और पका लेते हैं। अभी ये मुझे थोड़ा सा लाइट कलर लग रहा है, इसका कलर धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। अब ये चीनी पूरी तरह से कैरमलाइज हो गई है, बस हमें इसी टाइप का कलर चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब दूध देख लेते हैं। अब ये दूध भी हाफ रह गया है और काफी गाढ़ा हो गया है। अब फ्लेम को स्लो कर देते हैं और जो हमने चीनी को कैरमलाइज किया था वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। दूध में मिक्स कर देते। अभी ये चीनी थोड़ी सी आपको हार्ड दिख रही होगी लेकिन ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी। फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। चीनी जैसे जैसे मेल्ट होती जाएगी दूध का कलर चेंज होता जाएगा। आप देख पा रहे हैं दूध का कलर पहले से चेंज हो गया है। बस हमें इसी तरीके से लगातार चीनी मेल्ट होने तक चलाना है। चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। आप देख पा रहे हैं दूध कितना क्रीमी और मलाईदार बनके तैयार हुआ है।
कुल्फी में खुशबू आए और कुल्फी खाने में टेस्टी लगे, उसके लिए ये हमने 3 से 4 छोटी इलायची ली जिसे हमने पीस लिया है, वो अब इसके अंदर डाल देते। इलायची को मिक्स कर देते। अब ये कुल्फी का दूध बनके तैयार हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और दूध को ठंडा होने देते। अब ये कुल्फी का मिश्रण भी ठंडा हो गया है, आप देख पा रहे हैं कितना क्रीमी और स्मूथ बनके तैयार हुआ है। चलिए अब कुल्फी जमा लेते हैं। हम इन कुल्फियों को बिल्कुल बाजार जैसा जमाएंगे, उसके लिए ये हमने कुल्फी के मोड़ लिए हैं, ये हमें इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप इन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये जो हमने कुल्फी का मिश्रण बनाया था उसमें से इस मिश्रण को हम इस कुल्फी के मोल्ड में डाल देते। इस तरीके से हम सभी मोल्डों में डाल देंगे। ये हमने सभी कुल्फी के मोल्ड में मिश्रण को डाल दिया है। अभी ये कुल्फी का मिश्रण थोड़ा सा बचा है, उस मिश्रण को हम ये कागज के कप में डालेंगे। अगर आपके पास कागज के कप है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुल्फी के मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे कटोरी, गिलास या किसी डिब्बे में भी जमा सकते हैं। अब हम मिश्रण को इस कप में डाल देते हैं। ये हमने मिश्रण को कप में डाल दिया है। कुल्फी में लगाने के लिए ये मेरे पास स्टिक है, अब हम स्टिक को इसके अंदर डाल देते। इस तरीके से हम सभी स्टिक को डाल देंगे। ये हमने सभी में स्टिक लगा दिए। अब कप के ऊपर हम होम फॉइल लगा देते। इसमें इस तरीके से हम कट लगा देते। ये हमारे पास आइसक्रीम स्टिक है, उसे लगा देते इसमें भी। अब इस कुल्फी को 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख देते। 8 घंटे करीब हो गए हैं, अब ये कुल्फी भी जम गई है। अब हम कुल्फियों को निकाल लेते। ये हमने पानी लिया है, आपने देखा होगा कि मार्केट में पानी में डाल करके कुल्फी को निकालते हैं, और कुल्फी को कुछ सेकंड के लिए पानी में हम इस तरीके से डाल देते। अब इसे निकाल लेते। अब मोल्ड में से हम कुल्फी को निकाल लेते। देखिए कितनी बढ़िया कुल्फी जम के तैयार हुई है। इस कुल्फी को इस प्लेट में रख देते। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया कुल्फी बनके तैयार हुई है। इस तरीके से हम सभी कुल्फियों को निकाल लेंगे। देखिए कितनी स्मूथ और क्रीमी कुल्फी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल लग रही है ना मार्केट जैसी। इस तरीके से हम सभी कुल्फी को निकाल लेते। ये हमने सभी कुल्फियों को निकाल लिया है। ये हमने कप में कुल्फी जमाई थी उसे भी निकाल लेते। इसको हम इस तरीके से निकाल लेते। इस कुल्फी को भी हम प्लेट में रख देते, दूसरे वाले कप की भी निकाल लेते। बिल्कुल लग रही है ना मार्केट जैसी, कितनी बढ़िया कुल्फी बनके तैयार हुई है। अगर आपको मेरी कुल्फी की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो आप ज्यादा ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि ये कुल्फी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और आप मुझे कमेंट्स करके ये भी बताइए आप इन्हें कब बना रहे हैं।